गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया है। शर्मा गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें, यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो अरविंद शर्मा भी उनके साथ पीएमओ आ गए थे। मौजूदा समय में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। वो यूपी के मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड अंतर्गत काजा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। शर्मा का जन्म 11 अप्रैल 1962 में हुआ है। उनके पिता का नाम शिव मूर्ति राय और माँ का नाम शांति देवी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय प्राथमिक विद्यालय और मऊ के डीएवी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद स्नातक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले स्नातक और बाद में राजनीति शास्त्र में परा स्नातक किया है। इसके बाद 1988 में उनका चयन गुजरात कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। अरविंद शर्मा की एडीएम पद पर पहली तैनाती 1979 में हुई थी और बाद में डीएम बने। साल 1995 में वो मेहसाणा के कमिश्नर पद पर नियुक्त किए गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उनके कार्यालय के सचिव की जिम्मेदारी एक शर्मा को मिली। यहीं से पीएम मोदी का भरोसा जीतने में शर्मा कामयाब रहे। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा को 2013 में पदोन्नत कर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद पीएम मोदी 2014 में दिल्ली की सत्ता पर अधीन हुए तो उन्हें अपने साथ ले आए। आपको बता दें कि जून 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक शर्मा को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से अभी तक पीएमओ में थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वीआरएस लेने के समय वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। अरविंद कुमार शर्मा सेवानिवृत्त होने के बाद गुरुवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं और दोपहर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। पीएमओ में उनकी पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। शर्मा की प्रशासनिक दक्षता का लाभ लेने के लिए उन्हें योगी मंत्रिमंडल में अहम दायित्व भी सौंपा जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।